तकरार, बहस और हंगामा आई। हुकूमत की हठधर्मी के बाद सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज भी पेश न हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पार्लिमानी रिवायत को तार तार कर दिया। सबसे बड़े सूबे का बजट आज भी पेश न हो सका। इजलास दिन 1 बजे शुरू होना था, लेकिन डेडलॉक के बाद शुरू न हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत थी कि अता तारड़ ऐवान में नहीं आएंगे, आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पेश हों, ऐवान में माफी मांगे। नून लीग ने हठधर्मी दिखाई और जिद पर अड़ गई। राणा मसूद ने साफ कह दिया, मैं नहीं मानता। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं। गवर्नर पंजाब बलीको रहमान भी दरमियान में आ गए। पंजाब असेंबली का बजट इजलास बर्खास्त कर दिया। नया 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी इजलास जारी रखा। कुछ देर बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया, जो पंजाब असेंबली में ही होगा। अब देखना यह है कि गवर्नर पंजाब और स्पीकर आ गए हैं आमने सामने, हुक्म किसका माना जाएगा किसका नहीं। सवाल ये है कि बजट इजलास सुबह होगा भी या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।